हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। तो आज बना रही हूँ ये बहुत ही डिलीशियस ही लौकी का ये नाश्ता, जो बहुत ही यूनिक है, झटपट बन के रेडी हो जाता है। खाने में ये बहुत ही डिलीशियस लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको अनडाउटेडली ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो ये देखिए, मैंने ये वाली नाइफ ले ली है और उससे ऐसे लौकी के सारे नूडल्स मैं रेडी कर लूँगी। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप ग्रेटर से कर सकते हैं, या फिर अगर आप नाइफ से ऐसे जूलियंस टाइप का काट के उसको ऐसे पूरे नूडल्स रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने इतने मोटे रखे हैं एंड ये सारे नूडल्स हो गए हैं रेडी। अब मैं एक बोल ले लूँगी और उसमें ऐड कर दूँगी चीनी। तो अब हमें क्या करना है, सीरा रेडी करना है चीनी का, और उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा ग्रीन कलर एंड फिर पानी। तो ये देखिए कुछ ऐसा हो गया। अब इसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। मिक्स कर लिया मैंने। अब इसको बॉइलिंग करने के बाद ये सारे नूडल्स मैं इस शीरे में डाल दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से। और पानी बहुत ही ज़्यादा लिक्विडी सीरा नहीं रेडी करना है, पानी कम ही रखना है सीरा में, बिकॉज़ लौकी भी पानी छोड़ता है। तो फिर तो ये देखिए कुछ ही टाइम में अच्छे से लौकी पूरी डिसॉल्व टाइप की हो गई है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 2 से 4 मिनट एंड फिर उसको स्ट्रेन कर लेंगे। तो ये देखिए ये हो गया है रेडी। अब इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ये ठंडा हो जाएगा उसे एक बोल वगैरह में ट्रांसफ़र करिए प्लेट में। फिर अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई चीनी या भूरा। एकदम झटपट बन जाता है और ये खाने में बहुत ही यूनिक और डिलीशियस लगता है गाइस। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपने इसे कभी खाया है तो मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो ये देखिए एकदम बढ़िया सा है ये हमारा मीठा लौकी का नूडल्स कह सकते हैं। बच्चों को भी दीजिए, इन्जॉय करिए, हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। तो ये देखिए अच्छे से सबको मिक्स कर लेंगे। एकदम बढ़िया जूलियन सारे रेडी हो गए हैं। बस अब इसे एकदम सर्व करिए ऐसे ही, एंड आप जिसको खिलाएंगे उन्हें बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरी ऐसी ही छोटी मोटी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ वेरी नाइस डे। बाय बाय।